रोडवेज कर्मचारियों की लंबित मांगों का निस्तारण, बकाया और इसके साथ और अन्य मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ की ओर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 19 मार्च को जयपुर में होने वाली रैली को लेकर चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश जोशी ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष राजेंद्र शंकर शर्मा ने की है। बैठक में 19 मार्च को जयपुर में होने वाली विशाल रैली में कर्मचारियों से शामिल होने की अपील की गई। 19 मार्च को हम लोग प्रदेश स्तर की रैली करने वाले हैं, जिसमें झालावाड़ सहित सारे जो हमारे डिपो हैं उनसे कर्मचारी जयपुर में सिंधी कैंप से और मुख्यालय तक रैली निकालेंगे। इसी संबंध में हम ये प्रवास कार्यक्रम कर रहे हैं, हर आगार में जाकर कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि भाई सरकार ने हमारी जो मांगे थी उन पर आज 2 साल से ऊपर समय हो गया है, कोई भी कार्रवाई किसी तरह की नहीं हुई है। हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनका जुलाई 16 से भुगतान नहीं किया गया, उनको फंड्स के भुगतान नहीं किए गए, इस सरकार ने केवल 2 महीने का भुगतान अभी तक किया है। हमारे सारे कर्मचारी जो वरिष्ठ है उनकी रिटायरमेंट के बाद में आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, फंड्स उनको मिल नहीं रहे, पेंशन और तनख्वाहें भी हमारी 2-2 महीने से आ रही है। पूर्व में कर्मचारियों की चल रही लंबित मांगों पर चर्चा करते हुए कहा गया कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की तरह ही गहलोत सरकार ने भी रोडवेज को किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचाया है। 7वां वेतन आयोग, जिसका वादा सरकार ने पहले भी किया था, वो भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया 2016 से ही रुके हुए हैं, इनका कोई भुगतान नहीं किया गया। रोडवेज कर्मचारियों ने कोरोना जैसी घातक बीमारी में भी प्रवासी मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाया। कोरोना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर अस्थि विसर्जन कार्यों में भी हमारी भागीदारी रही है। चिकित्सा कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों की तरफ से कोरोना योद्धा के रूप में अहम भागीदारी रही। इसके बाद भी कर्मचारियों का लगातार शोषण हो रहा है। जब ये राज्य सरकार सत्ता में नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमारा आंदोलन चल रहा था। हमारे मांग पत्र पर हम लोगों ने आमरण अनशन का कार्यक्रम किया था। उस वक्त श्रीमान राजेश जी पायलट, वो सचिन पायलट जी, और वर्तमान जो हमारे परिवहन मंत्री हैं प्रताप सिंह जी खजरेवाल हमारे मंच पर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि ये भाजपा सरकार आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, हम जब सत्ता में आएंगे तो आपकी सारी मांगें पूरी करेंगे और आपकी सारी मांगें वाजिब। तो जिस वादे को लेकर ये सरकार सत्ता में आई, उस वादे की पूर्ति के लिए और उस वादे को याद दिलाने के लिए हम लोग, हमारे संगठन ने कार्यक्रम किया है। 1 साल तक कोरोना काल में एक राष्ट्रीय आपदा थी, इस वजह से हमने सारी मांगे हमारी लंबित रखी। समय पर वेतन भुगतान नहीं होने पर काफी समय से चल रही आ रही लंबित मांगों के विषय को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन 19 मार्च को जयपुर में एक विशाल रैली का आयोजन कर रहा है। उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे रणनीति बनाकर प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ से बलबहादुर सिंह की रिपोर्ट।